गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी जिया और रश्मि रहती है उनके बीच में लवी डवी मोमेंट्स होते हैं। जिया को रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी वाइफ को एक मेड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो सारे काम उसी से कराती है पर खुद तो कुछ करती नहीं है, और तंग करने में वो नंबर वन थी। पर जब उसके मॉम के आने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, और फिर वो उसे मनाती भी है, और उनके बीच में बहुत लवी डवी मोमेंट्स होते हैं। पूरी रात तो उनके लवी डवी मोमेंट्स में ही निकल जाते हैं। अब उसके आगे, जैसे ही जब सुबह उठती है तो जो रश्मि होती है वो सबसे पहले उठती है और वो जिया की तरफ देखती है और स्माइल करती है कि हाँ, जिया पागल है। मतलब उसे इस बात पे हंसी आ रही रहती है कि किस तरीके से वो उसके पैर दबा रही थी रात को हॉल में बैठ के। ये बात जिया को रश्मि को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। रश्मि को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि कोई उसके लिए पैर दबाए। हाँ, प्यार है, अपनी जगह ठीक है, पर ऐसे कोई काम कराना किसी को पसंद नहीं आता है। तो हमारी जो रश्मि रहती है वो उठती है, अपने क्लॉथ्स रेदर करती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर आती है तो वो बात सब कुछ ले चुकी रहती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलने से पहले उसे याद आता है कि अगर इस मोमेंट में अगर आंटी अंदर आ गई जिया के पास तो ये तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि वो उसे इस हालत में देखेंगी। पर उन्हें तो ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि ये होता ही होगा, पर फिर भी एक एज अ ज़िम्मेदार बहू वो नहीं करती है। तो वो जिया के पास जाती है और जिया को उठाती है कि उठो जिया, जल्दी से उठो, मम्मी भी है घर पर, उठो जिया। पर जिया तो इतनी नींद में रहती है कि वो उठ ही नहीं रही रहती है। फिर वो फिर दो तीन बार बोलती है जिया उठो, तो जिया क्या करती है, एकदम से रश्मि को अपने पास खींच कर उसे हक करने लगती है। रश्मि बोलती है, अरे मुझे नहीं सोना है, मुझे उठना है, मुझे काम करना है, अरे उठो उठो। फिर उसको बहुत बार हिलाती है तब भी नहीं उठती है। तब क्या करती है, फिर वहाँ पर ना पानी की बॉटल रहती है, वो उसका ढक्कन ओपन करके उसको थ्रो कर देती है। पूरा पानी जिया के ऊपर जब चला जाता है तब जिया एकदम भड़बड़ाहट में उठती है कि क्या हो गया क्या हो गया। और उठ के ना रश्मि बहुत जम के हंसने लगती है, बोलती इतने प्यार से उठाती हूँ तो उठना नहीं रहता है ना, अब उठो जल्दी से और अपने कपड़े वपड़े पहनो या फ्रेश होकर आओ, मम्मी है बाहर। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में हम दोनों अकेले जो अपनी मनमानी करें। और मैंने इसलिए उठाया कि मैं तो किचन में जा रही हूँ खाना वाना बनाने, पता चला कि मम्मी ने अगर इस हालत में देख लिया ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलती तो क्या, उन्हें तो पता है ना कि अब रात को अपनी वाइफ के साथ तो यही सब होता है, और रात को क्या दिन में भी होता है, मम्मी पापा ने भी किया होगा ना, तब जाकर ही तो मैं आई हूँ। ये सारी बातें सुनकर रश्मि बोलती कि आप अभी से ज़्यादा बेशरम हो गए हो या पैदा ही बेशरम हो गए थे, क्या है ना मेरे साथ रह रह के ना कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए हो आप। किया था उनने, किया उनका है, आप क्या कर रहे हो, क्या दुनिया भर में बता रहे हैं कि आज आपका हैविंग अ ब्यूटीफुल रोमांस विथ मी, ये बताओगे। तो कहती है कि हाँ मुझे बताना पड़ा तो बता दूंगी, कौन सा मैं एरो गैरो से कर रही थी, अपनी वाइफ से करना, अपनी पार्टनर के साथ करना, अपनी पार्टनर के साथ रहना कोई गलत थोड़ी ना है, और मैंने कुछ गलत कहाँ किया है जो मैं डरूं। हाँ डरते वो है जो गलत काम करते हैं रश्मि, मैं कुछ गलत नहीं हूँ। रश्मि बोलते कि आपके साथ ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ ना ये सारी बातों पे डिस्कशन करूँ, सो फिलहाल मैं चली और आप जाओ। जैसी वो जा रही रहती है, जो रश्मि का हाथ पकड़ लेती है जिया और अपनी ओर खींचती है और उसके लिप पे किस करती है, तो जिया बोलती है अरे, रश्मि बोलती है अरे रुको यार, तुम अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई हो और तुम्हें किस करना। तो कहती है मॉर्निंग किस तो बनती है ना, फ्रेश होकर भी ले लूँगी, डोंट वरी, अभी तो फिलहाल जाओ तुम। और ऐसे कह के रश्मि भी हंसते हुए चली जाती है। जिया भी अपने बेडरूम में जो वॉशरूम रहता है उधर चली जाती है फ्रेश होने। जैसी वो किचन की तरफ देख जाती है रश्मि, तो वहाँ पर मम्मी ऑलरेडी खड़ी रहती है। तो रश्मि बोलती है कि गुड मॉर्निंग मॉम, लेकिन आप क्यों हो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है। तो कहती कि नहीं मुझे करने दो, मैं कर देती हूँ, आप लोगों को ऑफिस भी जाना होगा, मतलब कॉलेज भी जाना होगा ना, तो मैं बना देती हूँ। तो कहती हाँ मम्मा कॉलेज तो जाना है, लेकिन आप बैठो, आप हमेशा से इतना खाना बनाते हो,
पहले पापा के लिए बनाया, फिर पूरी फैमिली के लिए बनाया, जिया के लिए बनाया। अभी आपका ना टाइम रेस्ट करने का है, यहाँ पे नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। तो मम्मी बोलती, उसकी मम्मी कहती कि मैंने पोहा निकाल दिया है। तो कहती हाँ मैं पोहा बना देती हूँ, आप बैठो, मैं 1 मिनट में ना सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि फिर लंच भी लेकर जाना। तो कहती हाँ ठीक है। तो जो रश्मि रहती है वो फटाफट चाय और पोहा बनाती है, मम्मी को सर्व करती है। वहाँ से जिया को बहुत आवाज़ें देती है, बोलती जिया जिया जिया। तो फिर जिया फाइनली आती है और आते से एकदम वो भूल जाती है कि उसकी मम्मी है। वो आते से ही मजाक में बोलती है, यार बेबी तुमसे ना 1 मिनट भी मुझसे अलग रह नहीं जाता है क्या, जब देखो चिल्लाती रहती हो जिया जिया जिया, हाँ थोड़ा भी दूर नहीं रहा जाता है क्या। ये बात उसकी मम्मी सुन रही रहती है और रश्मि चुप मुंह से देख रही रहती है, और जैसे वो अपनी आंखों के इशारों से बोल रही रहती है कि मम्मी है। फिर तेरे में मम्मी बोलती कि कोई मरा नहीं जा रहा है तुम्हारे लिए, मेरा बस चले तो वो कभी ना बुलाए, तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी वो। हाँ दूर नहीं रहा जाता, खुद से तो रहा नहीं जाता, बेचारी मेरी बहू को बदनाम करना है तुम्हें, इधर आ जाओ चुपचाप खा लो। तो फिर वो एकदम से याद आता है कि उफ मम्मी है, अगर इस टाइम पे अगर नहीं होती तो इतनी सुंदर दिख रही थी, मतलब काम करते हुए रश्मि, कि जिया का बस चलता तो वो उसे हक करके एक किस तो देती, पर वो चुपचाप चली जाती है और वहाँ जाकर नाश्ता करने लगती है। सबके सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, रश्मि जो रहती है वो अपना खाना पूरे तरीके से बनाने लगती है और वो अपना टिफ़िन भी तैयार कर लेती है। फाइनली जब इन लोगों का पूरे तरीके से बन जाता है तो दोनों अपनी मॉम को हग करके बाय बोल के ऑफिस कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। जब जैसे वो अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं तो कॉलेज में जाते से ही उसे रिद्धि मिलती है, रिद्धि से वो हेलो हाय बोलते हैं। रिद्धि पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग ऑन। तभी रश्मि बोलती है अच्छा चल रहा है, पता है मम्मी आई है। तो वो कहती कि किसकी मम्मी आई है, तुम्हारी या जिया की। कहती मेरी तो सासू आई है, जिया की मम्मी आई है। पता है मॉम इज़ टू ग्रेट, जिया की पूरी बैंड बजा देती है और ऑफकोर्स मेरी सासू माँ मेरा साइड देती हैं। रिद्धि मिलती है और रिद्धि मिलकर उसे बोलती है कि यार मुझे कायरा की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, कायरा का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो कहती है यार तू कायरा का इतना टेंशन क्यों ले रही है। रश्मि कहती है यार वो अभी ठीक है ना। तो कहती है यार इस समय ना उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रश्मि बोलती तू तो है ना ऑल टाइम, तो है यार, अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अंकल को पहले रिकवर तो होने दो, जब वो अंकल रिकवर हो जाएंगे तो तेरे और कायरा के रिलेशन के बारे में तो हम बात करेंगे ना उनसे, एक बार सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रही है। तभी जिया आकर बोलती है यार क्या बातें चल रही हैं, मुझे कोई बताता ही नहीं है। तो कहती है कि हाँ तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहे हैं ना हम। रश्मि कहती है, तो जिया कहती है हाँ वो तो तुम करोगी ना, मेरी मम्मी के साथ मिलकर तो मेरी मस्ती कर रही हो। तो कहती है ऑफकोर्स करूँगी, क्योंकि वो मेरी सासू माँ है और आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पता है रिद्धि मुझे ना घर का काम करने वाली मेड बना के रख दी है और अपनी मॉम के सामने मुझ पर इतनी हुकुम चला रही थी है। तो एकदम से जिया का जो फेस होता है वो नीचे हो जाता है, उसकी आंखें नीचे होने लगती है। तो रश्मि और रिद्धि एकदम से उसी तरफ देखते हैं, बोलते क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं। तभी रश्मि उसका फेस को ऊपर करके बोलती क्या हुआ बेबी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, आई एम सॉरी, मेरा हर्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। तो जिया कुछ नहीं कहती पर उसकी आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं। तभी जो रश्मि है वो उसकी आँखों को पोंछती है और बोलती बीबी मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, बीबी आई एम रियली सॉरी, बोलो ना हुआ क्या बीबी बताओ। तो तभी वो कुछ नहीं बोलती है। रिद्धि काफ़ी ज़्यादा समझदार होती है तो वो चीज़ों को समझ जाती है। तभी वो रश्मि को कहती है कि वो उसे इस बात का बुरा लगा है कि उसने आपके साथ मेड बना दिया है, क्योंकि जिया आपको महारानी बनाना पसंद करती है, मेड नहीं, और आप घर के काम वाम करते हो, तो इस वजह से उसे हर्ट हो रहा है कि उसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है और वो आपको बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं दे पा रही है। तभी रश्मि कहती पागल हो क्या यार, देखो अगर मैं घर पे अपने लिए खाना बनाऊंगी तो भी तो वो बर्तन निकलेंगे ही, और तुम्हारे लिए बनाऊंगी तो भी तो निकलेंगे, बस तुम्हारे लिए बनाते टाइम एक प्लेट एक्स्ट्रा निकलेगी, वरना बाकी कढ़ाइयाँ वगैरह तो वो सब उतने ही निकलना है,
एक इंसान का खाना बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना दो इंसान के खाना बनाने के लिए। तो इसमें आपको कुछ फील करने वाली बात नहीं है। आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि यार कि मेरी वजह से आपको बनाना पड़ेगा? मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो खाना नहीं बनाती अपने लिए। आप भी कुछ भी सोचते हो यार। तो जो जिया रहती है अपना फेस को फिर से नीचे ही रखी रहती है, तभी जो रश्मि रहती है उसे हक कर लेती है और बोलती है कि बेबी ऐसा बिल्कुल ना सोचो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया को थोड़ा बुरा काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि वो उसको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं दे पा रही रहती है। तभी जो जिया रहती है वो पीछे हट के बोलते हैं कि बेबी मेड लगा ले। तो रश्मि हंसते हुए बोलती है नहीं बेबी, दो लोगों में क्या मेड लगाना है, ज़रूरत नहीं है। हाँ मेड लगा लेंगे जब वक्त आएगा, अभी फ़िलहाल हमें अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस बजट सब सोचने हैं, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सब मैनेज कर लेंगे ना। ठीक है आपको ये लग रहा है ना कि आपने मुझे मेड बना दिया, तो कोई बात नहीं है, एक काम करो आज से कपड़े धोना, नहीं कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, आज से हॉल का कमरे का सबका पोछा वगैरह आप कर लेना और मैं खाना बना लूँगी वगैरह। तो जिया एकदम हंसने लगती है, बोलती ये क्या बात है बीबी यार, मेरे से नहीं होता। तो कहती मैं सिखाऊंगी ना कि कैसे करते क्या नहीं होता है। और जो रिद्धि रहती है वो हंसे जा रही रहती है। इन दोनों के क्यूट क्यूट मूवमेंट्स, फाइट वगैरह, कपल फाइट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उतनी देर में कायरा आ जाती है। कायरा जब आती है तो उसके साथ तनु आती है। तनु बोलती है कि हाय मैम कैसे हो आप सब, एंड मैम आपकी तो मतलब न्यू फ्लैट में आप लोग गए हो। तो कहती है वाओ तनु तुम्हें सब पता रहता है। जिया बोलती है हाँ मैम सब पता रहता है, कायरा मेरी भी तो दोस्त है ना, मेरे को बताएगी ना मैडम। तो बोलती है अच्छा ये बताओ आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो कहती मेरी तो अच्छी खासी चल रही है मैम, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा कुछ मज़ेदार, मतलब मेरी लाइफ तो बोरिंग ही रहती है। तो जिया बोलती तो इंटरेस्टिंग बना रहे हो ना, क्यों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, आई थिंक यू हैड अ बॉयफ्रेंड ना। तो तनु कहती है मैम हैड नहीं हैव, मेरा अभी भी है। तो कहती हाँ तो फिर इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, कहती बोरिंग इंसान है, बहुत बोरिंग इंसान है मैम, बस लास्ट टाइम हमने कभी मज़े किए थे तो वो शिमला में ही किए थे। तो तनु की ऐसी बातें सुनकर रश्मि बोलती हाँ यार बहुत मज़ा आया था यार, हमें फिर से कभी ट्रिप पे चलना चाहिए यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लाइफ सीरियसली बोरिंग हो गई है। तो तनु बोलती हाँ मैम जब भी जाओ मुझे बता देना, मैं भी रेडी रहूँगी। तो कहती हाँ रेडी रहोगे, और आपका पार्टनर? तो कहती मैम उसका, उसको टेंशन मत दो, वो मैं करवा लूँगी। तो तभी जिया कहती है कि अगर आप उसे रेडी करा लेते हो हर एक चीज़ के लिए, राइट? तो तनु बोलती है हाँ, तो फिर अभी आप यहाँ पर अपनी लाइफ को क्यों बोरिंग कर रहे हो, जाओ डेट पे, घूमो फिरो, मॉल्स है बहुत सारे यहाँ पे, क्या बोलते लवर्स पॉइंट है, घूमने का इतना सब कुछ है। पता है हम लोग जब कॉलेज टाइम पे थे हम लोग बहुत मस्ती करते थे, दैट टाइम हम लोग रिलेशनशिप्स में कोई नहीं था, हम तीनों थे, हम तीनों फिर भी इतने जाके मस्ती करते थे यार। आप लोग ना कितने बोरिंग हो यार, मतलब मुझे जब जब भी देखती हूँ ना मैं रश्मि को हमेशा से कहती हूँ यार ये लोग कितने बोरिंग लोग हैं, इससे इंटरेस्टिंग तो अपन लोग थे जब अपने कॉलेज टाइम की बात थी। तो तनु बोलती है हाँ मैम सच्ची बोलूँ ना बहुत बोरिंग लोग हैं, एक्चुअली ना ये कायरा बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसकी वजह से ना हम लोग रुक जाते हैं। तो कहती कायरा को तो छोड़ो, तुम लोग जाओ ना अपने अच्छे से, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, बॉयफ्रेंड से फ्रेंड्स के साथ जाओ, और मयंक मयूर सब लोग तो है ना, और वो उनकी पूरी ग्रुप है, उन सबके साथ जाओ। तो कहती है हाँ मैं, हाँ सही है, हाँ मैम मैं देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। तो कहती है हाँ। तभी जो कायरा रहती है वो रिद्धि की तरफ देखते बोलती है आप कैसे हो? तो कहती है मैं तो अच्छी हूँ, मैं ये पूछ रही थी अंकल कैसे हैं। तो बोलती है अंकल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पापा अच्छे हैं, और मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी सब लोग एकदम से पूछते हैं क्यों क्या हो गया। तो कहती है कि यार मैं आपको कुछ फोटोज सेंड कर रही हूँ ये देखो। तो अपने मोबाइल से उठाकर वो वही फोटोज़ पूरी सेंड करती है जो उसने अपनी मॉम के टाइम पे, मतलब जब उसकी मॉम वो एनवेलप पे फोटोज़ थी वो सारी क्लिक करके उसे सेंड कर देती है।
जैसे वो फोटोज मैम के पास पहुंचती है तो जिया, रश्मि सब देख रहे रहते हैं रिद्धि के मोबाइल से, और तनु कायरा के मोबाइल से देख रही रहती है। तभी वो बोलते हैं, हाँ इस फोटोज का क्या? तो वो बोलती है, आप ये फोटोज में ये लेडी देख रहे हो? तो वो कहती है कि हाँ ये लेडी कौन है ये? तो वो कहते हैं कि यही रीना है मुझे जहाँ तक लगता है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ। तो कायरा बोलती है कि यार ये जो लेडी है वो रीना तो है, बट मुझे इसके बारे में डिटेल्स चाहिए। तो रश्मि और जिया और रिद्धि एक साथ बोलते हैं, क्या डिटेल्स चाहिए? ये फ्रेंड है, बात खत्म, और क्या जानना है इनके बारे में? और आंटी ने तो उसी दिन कह दिया था ना कि शी इज़ नो मोर, एक्चुअली अगर वो होती तो अभी तक टैकल कर चुकी होती अंकल को। जब नहीं है तो फिर उनके बारे में और डिटेल्स जानकर क्या फ़ायदा है? तो कहती है, हाँ यार पर आप नहीं समझ रहे हो। तो कायरा बोलती, क्या नहीं समझ रहे हो? अरे वो सिर्फ फ्रेंड नहीं है। सब कंफ्यूज होते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड से ज़्यादा है। पापा ने बहुत बार कभी कभार मुझे बातों बातों में यही कह दिया कि आप मुझ पर तो गई हो, रीना पर नहीं गई हो। और मैं रीना पर क्यों जाऊंगी जब मेरी तो ऑलरेडी मॉम कोई और है। मम्मी का भी कुछ ऐसा, मम्मी ने भी कभी बहुत बार ऐसा बोल दिया कि मैंने किसी से वादा किया है इसलिए मैं तुम्हें ऐसे हैंडल कर रही हूँ, मैंने रीना से वादा किया है इसलिए। अभी रीना है कौन जिससे वादा करने की ज़रूरत पड़ रही है? बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। मैं नहीं जानती क्या है। और ऊपर से ये देखो, ये फोटोज तो मम्मी पापा और रीना आंटी की है, इसके आगे देखो तो ये तो मेरी दादी है जिसके साथ मेरी रीना आंटी इतने अच्छे से बैठी हुई है। यार रीना आंटी को क्या, मतलब मेरी दादी से इतना क्लोज होने की क्या ज़रूरत है? और ये देखो मेरी दादी, ये रीना आंटी, और ये तो मेरे दादू है, और ये मेरे पापा हैं, और पर ये इस साइड वाला मुझे कुछ नहीं पता, इस साइड वाले कौन है, ये अंकल, ये मतलब बूढ़े बूढ़े लोग कौन है मुझे नहीं पता। तभी रश्मि बोलती है कि आई थिंक ये तुम्हारे रीना की मॉम एंड डैड होंगे शायद, मतलब अभी फैमिली फ़ोटो दिख रही है तो शायद यही हो सकते हैं। तो कहती है, हाँ ये भी हो सकते हैं बट पता नहीं ना। तो कहती है, हाँ पता तो किसी को भी कुछ नहीं है बट लगता तो यही है। और फिर फोटोज़ को वाइप स्वैप किया जाता है। तब देखते हैं कि दूसरी फोटोज़ आती है जिसमें सबके सब फैमिली ग्रुप में होते हैं, जिसमें रीना भी रहती है और मेरी मम्मी भी रहती हैं। तो यहाँ पर रीना और मम्मी एक साथ हैं, पापा के बाजू में दोनों खड़ी हुई हैं और पूरी फैमिली ग्रुप है। यार मतलब इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आंटी तो नहीं है यार, रीना आंटी, शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अभी मुझे पता करना है कि कौन है, क्या है, कैसा रिलेशन है, क्या है, मुझे जानना है। मतलब इतना क्लोज कोई कैसे हो सकता है? या तो फिर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि छुपाया जा रहा है, कायरा बोले जा रही रहती है। तब जो रिद्धि है वो फोटो को बहुत बड़ा करते हुए बोलती है, मतलब जूम करती है और देखती रहती है। तो वो कहती है कि हाँ हो सकता है कि आप सही हो, कि कुछ तो चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के नज़रों के सामने नहीं है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे साइड से भी स्किप हो रही है, तो हमें पता तो करना पड़ेगा। बट इसके बारे में पता कायरा आपको आपकी मॉम और डैड से ही पता चलेगा, क्योंकि यही तो अभी हैं और क्लोज हैं। और आपकी दादी अगर हैं तो आपकी दादी से पूछो। तो वो कहती, मेरी दादा दादी नहीं रहे अब, और उन्हें गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, वरना वो होते तो मैं अभी उनसे जाकर हर एक चीज़ पूछ लेती। तो कहती, हाँ तो अब ऑप्शन ही क्या है, तो पापा मम्मी से पूछो। तो कायरा बोलती है, ठीक है मैं आज जाके पापा से पूछूंगी। ऐसे बोल के ये लोग की अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। तनु और कायरा अपने क्लास के लेक्चर पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो जिया, रश्मि और रिद्धि होते हैं, ये लोग अपने स्टाफ रूम में जाते हैं और अपना जो स्टडी मटेरियल्स होता है, जो उन्हें स्टडी मतलब लोगों को पढ़ाने के लिए चाहिए रहता है, वो सब उठाकर वो लोग अपने पढ़ाने चले जाते हैं। पूरा का पूरा दिन लेक्चर और क्लासेस लेकर ऐसे ख़त्म हो जाता है। फिर सबके सब कैंटीन में मिलते हैं और कैंटीन में काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। कायरा रहती है, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस फोटो पे ही जा रहा रहता है जिसको वो बार बार जूम करके देख रही रहती है, और सोच ही रहती है कि कुछ तो क्लू मिले और कुछ तो समझ में आए। और जो हमारी तनु रहती है वो तो पुनीत के साथ बिजी रहती है, उसके साथ बात करने में, उसके साथ
मस्ती मजाक करने के लिए। उसे एक बात याद रहती है कि जिया मैम की, कि ये जो कॉलेज टाइम होता है ये बहुत मस्ती मजाक के लिए होता है और ये टाइम वापस तो आने वाला है नहीं है। तो अभी जो है मस्ती मजाक अभी हर चीज़ किया जाए, वरना फिर बाद में तो वो मिलने वाला है नहीं। वो देख रही रहती है। फिर थोड़ी देर में जो जिया और रश्मि और वो भी कैंटीन में वापस आते हैं रिद्धि। जैसे ही वो लोग कैंटीन में वापस आते हैं, वो आकर देखते हैं आके देखते हैं ग्रुप में ये लोग बैठे हुए रहते हैं, देखते हैं। तो रिद्धि जो रहती है वो कायरा को इतने परेशान देख कर ना उसे अच्छा नहीं लगता है। तो कायरा बोलती है कि क्या करूँ यार रिद्धि, मुझे जानना है ये रीना के बारे में, मैं कैसे पता करूँ। तो कहती है कि अपनी मम्मा से डायरेक्टली बात करो, क्योंकि जो जानता है वो सिर्फ मम्मा है, या फिर इनमें से कोई एक जन भी होगा वो आपको बता सकता है। अभी दादा दादी तो है नहीं है, पापा की अभी हालत कंडीशन ठीक नहीं है, उनसे अभी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना सही नहीं होगा। और रही बात आपकी मम्मी, तो वही आपको बता सकती हैं, वरना ये जो दो लोग और हैं इनमें से अगर कोई है अभी तो बता सकती हैं। तो कहती हाँ तो हम इनके बारे में पता करते हैं ना। तो वो कहती कि हम इनके बारे में कैसे पता करेंगे, हमें कुछ भी तो नहीं पता है। तो कायरा बोलते वो आप टेंशन मत लो, मैं ये कौन लोग है ये इस बारे में मम्मी से पता कर लूँगी, और ये भी पता कर लूँगी कि ये मेरे दादा दादी की तरह ऊपर तो नहीं पहुँच गए, मतलब स्वर्गवासी तो नहीं हो गए, और अगर हैं तो हम इनके पास जाकर सब कुछ पता करेंगे। तो जो जिया और रश्मि रहते वो भी सुन रहे रहते, तो कहते कि ठीक है पता कर लेंगे पर पहले आप पता तो करो। तो कहती हाँ मैं पता करती हूँ, और ऐसे बोलकर वो अपना बैग उठा के फटाक से भाग जाती है। तभी एकदम से पूछता है अरे कायरा रुको तो सही। तो बोलते कि नहीं रिद्धि मेरे दिमाग अभी नहीं चल रहा है, मुझे बस किसी भी हालत में जानना है कि कौन है क्या है कैसा है, बस मुझे अभी जाने दो, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी बाद में, पर मुझसे अभी नहीं होता है टैकल, प्लीज़ मुझे जाने दो। और ऐसे करके वो चली जाती हैं। वो अपनी स्कूटी बहुत स्पीड में भगाती है। दूसरी तरफ जो तनु रहती है, जिया रश्मि ये सब रहते हैं, तो ये सब सुन रहे रहते हैं। अब ऐसा होता है कि जिया और रश्मि एक साथ आते तो एक ही स्कूटी में आते थे वो लोग, अब जब घर से एक साथ निकल रहे तो दो स्कूटी कौन लेगा। अब यहाँ पर बेचारी रिद्धि अकेली हो जाती है। अब रिद्धि बोलती है कि उसे तो आखिर कैब करके ही जाना पड़ेगा, लेकिन तनु जो रहती है उसके पास भी स्कूटी रहती है। तो तनु बोलती है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। तभी जो स्माइल करते हुए रिद्धि कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं चली जाऊंगी, ड्रॉप करने की बारी आएगी तो मुझे तो रश्मि ड्रॉप करके फिर जिया को भी लेकर चले जाए ऐसे में से, बट आप टेंशन मत लो। कहती है अरे मैम ऐसे टेंशन मत लो, एक्चुअली क्या है ना मैं कायरा के घर जाना है मुझे, तो मैं आपको वहाँ से ड्रॉप करके कायरा के पास जाऊँगी, क्योंकि कायरा अभी हैंडल नहीं होने वाली किसी से। तो एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड आप उसको हैंडल कर सकते हो, बट एज अ फ्रेंड उसे अभी मेरी ज़रूरत है, क्योंकि वो शर्लॉक होम्स वाला दिमाग तो हम दोस्तों के पास ही तो रहता है ना। तो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हाँ सही बात है, आप दोस्तों के पास ही शर्लॉक वाला दिमाग रहता है। तो ये बोलकर ना चले जाती है। थोड़ी देर में जिया और रश्मि हम सब पार्किंग लॉट में मिलते हैं और सब अपने अपने चले जाते हैं। जो तनु रहती है वो लेकर जाती है अपनी स्कूटी में बिठाकर और मैम को ड्रॉप कर देती है। मैम के बाद वो जाती है, तो वहाँ पर जाती है तो वो रश्मि आई एम सॉरी देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्प्लिट, टंग स्प्लिट हो रहा है मेरा। तो वो जब जाती है तनु और ऊपर जाकर देखती है कायरा के पास, तो उसे बहुत सारे जो बेड पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई दिखती है, और बहुत सारे पुराने पुराने एल्बम्स दिखते हैं, हर एक चीज़ें दिखती हैं, और वो बहुत सारे एल्बम्स में देख के वो फ़ोटोज़ निकाल के थ्रो कर रही रहती है, जैसे कि वो कुछ ना कुछ पता करने जा रही है। तो हर एक चीज़ पता कर रही रहती है। तभी तनु पूछती है अरे तूने पूरी दुनिया भर के एल्बम्स क्यों निकाल के रखे। तो कहती है रुकना यार ये फ़ोटोज़ है तो ये आंटी के बारे में, धीरे धीरे और भी अगर फैमिलीज एल्बम्स में अगर दिख जाएंगी तो मैं अपनी मम्मी से जाकर पूछ सकती हूँ ना कि ये कौन आंटी है क्या है। अभी एक फ़ोटो के लिए मैं कैसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि ये फ़ोटोज़ तो मैंने चोरी से फ़ोटोज़ खींची थी ना, मम्मी के पास जाऊँगी तो यार मेरी मम्मी तो मेरी जान ले लेगी ना कि उनके मेरे पास ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई। हर एक चीज़ तो यार मुझे चेक करना पड़ेगा ना सोच समझ के, तो प्लीज़ यार देखने देना। तो ऐसे करके ये लोग फटाफट ढूंढते हैं।
तो अभी फिर तनु बोलती, ठीक है यार ये बात भी सही है, चल मैं हेल्प करती हूँ। तो फिर फटाफट ये लोग ना दोनों हेल्प करने लगते, बहुत सारे एल्बम्स होते हैं निकालते हैं, हर एक चीज़ फ़ोटोज़ में देखते, पर इन्हें फ़ोटोज़ मिल ही नहीं रही रहती है। बहुत फैमिलीज़ के एल्बम्स में ढूंढते रहते ढूंढते रहते हैं। तब तनु और कायरा एक दूसरे से थक कर क्या बोलते, एक भी फ़ोटोज़ नहीं दिख रही है यार, अब ये दो बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी आंटी और अंकल कहाँ से ढूंढे हम। तो कहती है, यार ढूंढना तो पड़ेगा ना, तू अभी शांत रह, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। हाँ तो फिर थोड़ी देर में ना ये लोग जाते हैं, और ऐसे ही जाते जाते ना एकदम से ना दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जाके ऐसे ही बैठे रहते, सोचते रहते क्या करें। तभी उन लोगों को ना एक रैक दिखता है, जिस रैक में ना वहाँ पर भी कुछ एल्बम्स रखे हुए रहते हैं। उस ज़माने में एल्बम्स ही होते थे, क्योंकि हमारे टाइम वो डिजिटल टाइम था नहीं, तो उस समय एल्बम्स होते थे। तो कायरा बोलती है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें। तभी तनु बोलती है, यार वो रैक्स में ना वो मुझे एल्बम टाइप्स दिख रहे हैं ज़रा वो है। तो कहती है, हाँ हाँ वो भी एल्बम्स है, चल उठ के देखते हैं। फिर फटाफट वो एल्बम्स को उठाते हैं और उठाकर लेकर जाते हैं और फिर देखना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, उस फोटोज़ में थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं। फ़ोटोज़ में बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, बहुत कुछ चीज़ें, बचपन की फ़ोटोज़ रहती है उसके मॉम एंड डैड की, हर एक चीज़ फ़ोटोज़ में दिखने लगती है। तभी वो बोलती है, यार ये बच्चा तो यार एक न्यू सा है, यार इसकी फ़ोटोज़ भी है। तो कहती है, यार तुझे बच्चे की फ़ोटो देखनी है या वो अंकल बूढ़े आंटी की देखनी है। तो कहती है, यार तो हाँ मतलब मुझे देखनी तो उसकी है, पर तनु देखना ये बच्चे की फ़ोटो, यार मुझे नहीं पता किस बच्चे की। तो कहती, छोड़ना किसी भी बच्चे की होगी, तो को क्या करना है आगे देख। ऐसे करते करते ये लोग एल्बम चेंज करते जाते, चेंज करते जाते, फिर आगे देखते जाते। तो फिर फाइनली जो बूढ़े अंकल आंटी जो रहते हैं, उनके फेस एक यंग अंकल आंटी के फ़ोटो से मिलता है। तो कहती है, ये देखिए मुझे ऐसा लगा ये बूढ़े अंकल आंटी का यंग वाला फ़ोटो है, यंग एज का फ़ोटो है, तनु बोलती है। तो कायरा भी देखती है, तो कहती है, हाँ यार ये तो यंग एज का फ़ोटो लग रहा है, रुक जा मैं मोबाइल से फ़ोटो खींचती हूँ। तो सबसे पहले वो लोग अपना मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर वो और एल्बम्स देखे जाते रहते, वो फ़ोटोज़ को साइड करते, फिर आगे जाके देखते हैं तो वो जो यंग अंकल आंटी रहते हैं उनके साथ एक छोटी सी लड़की खड़ी रहती है, शायद वो रीना ही आंटी होंगी, क्योंकि उनकी बचपन की फ़ोटोज़ थी वो। और ऐसे करके बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलती है। फिर एक एल्बम पिक मिलती है, जिस एल्बम पिक में पूरी फैमिली रहती है, कि जहाँ पर कायदे के दादा दादी रहते हैं, नाना नानी बोल सकते हो आप, मतलब कायरा के दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, और एक दो बूढ़े अंकल आंटी रहते हैं, और बच्चे पूरे तीनों रहते हैं, मतलब उसके पापा रहते हैं, रीना आंटी रहती हैं, और इसकी मम्मी रहती है कायरा की। सबके सब ऐसी फ़ोटोज़ होती है, और ये बहुत बड़ा ग्रुप एल्बम फ़ोटोज़ रहता है। तो ये बोलती है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, रीना आंटी है, ठीक है, पर उनके पेरेंट्स क्यों हैं फोटोज़ में, कौन ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करता है। तो तभी तनु बोलते, यार डाउट तो अब मुझे भी हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यार इतना तो यार अपन भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अपनी फ़ोटोज़ मिलेगी जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की फ़ोटोज़ साथ में तो नहीं मिलेगी, यार थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे भी, तनु कहती है। तभी कायरा बोलते, हम मुझे तो स्टार्टिंग से ही ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे तो कुछ ही समझ में नहीं आ रही यहाँ पे इतने सारे लोग कहने, क्योंकि ये तो मेरे मम्मी के मॉम डैड है, ये जिंदा है। तो कायरा बोलती, हाँ हाँ मेरे नाना नानी जिंदा हैं। तो कहती है, तो हाँ तो नाना नानी से पूछते हैं ना सब कुछ, तेरी मॉम तो बताएगी भी नहीं। तो कहती है, यार नाना नानी यहाँ नहीं है। तो कहती है कि कहाँ पर है। तो कहती वो तो पुणे में है ना, हम तो अहमदाबाद में। तो कहती कि ठीक है ना, फ़ोन पर बात कर ले, पूछ ले, ये फ़ोटोज़ उनको व्हाट्सएप कर दे और पूछ उनको कि ये दोनों कौन है, कम से कम वो तब तो कुछ बताएंगी, लेकिन अगर तू अपने मॉम डैड से पूछने जाएगी तो कोई तेरे को सच नहीं बताएगा। तो कहती हाँ ये बात तो सही है, पर मैं नाना नानी के क्लोज नहीं हूँ ना यार तनु। तो कायरा बोलती है, तो क्लोज तो तू कौन सा अपनी मॉम मॉम के भी है, देख डैड के क्लोज है पर डैड से तू पूछ नहीं सकती है, मॉम से तू कौन सा क्लोज है, मॉम से तो तेरी खुद की बात नहीं होती है ढंग से, तो तू कैसे करेगी। तो कहती यार वो बात भी सही है यार, ना तो फंस गई हूँ। तो कहती फंसी नहीं है यार, सीधी सी बात है, थोड़ा सा पूछ ले, पर अगर अगर नाना नानी ने मम्मी को बता दिया तो।
तो कहती यार बाद में बता दिए तो बता दिया, क्योंकि ये बात तो मम्मी मम्मी से भी पूछेगी ना बाद में कि नानी नानी ने ये सब बताया, तो वो देख पता तो चलना ही है। या तो तू डायरेक्ट आंटी से जाकर पूछ रही, या फिर तू मतलब अपनी नान नानी के थ्रू जाकर पूछ, पर पता तो पूछेगी तो तू पक्का ही ना, तनु कहती है। तभी कायरा बोलती है यार ठीक है, तू सही कह रही है, अब वक्त आ चुका है कि मुझे सब कुछ पता करने का और हर एक चीज़ करने का, अब बहुत हो गया। तो वो फ़ोटोज़ क्लिक करती है, और भी ऐसी बहुत सारी पिक्स होती है जो फैमिली पिक्स होती है, वो सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करती है और अपनी नानी को फ़ोन तुरंत ही लगाती है। नानी को जब फ़ोन लगाती है तो नानी एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती है कि बेटा आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई। तभी वो कहती है कि नमस्ते नमस्ते नानी, मुझे याद तो आपकी हमेशा से ही आती है। तो नानी बोलती कि बेटा झूठ भी ऐसा बोला करो जो सही हो, आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो और आपकी तो मम्मी से भी बात नहीं होती अपनी, तो फिर आप हमें याद कैसे रखोगे। तो कहती नानी ऐसा कुछ नहीं है, बस मम्मी ना मेरे पे गुस्सा ही करती रहती है, आपको तो पता है। और नानी ऐसा नहीं है नानी, मैं ना एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी, क्या आप मेरी मदद करोगी? तो नानी कहती कि हाँ बेटा पूछो जो पूछना है, मैं ऑफ कोर्स आपकी मदद करूँगी। तो वो बोलती है कि नानी ना मैंने ना आपको व्हाट्सएप पे कुछ पिक्स भेजी है, वो उनमें से ना आपके बाजू में जो दो लोग खड़े हैं वो लोग कौन है, और वो जो लड़की खड़ी है वो कौन है, तो ये मुझे बता देंगे? तो नानी बोलती है बेटा मेरा तो फ़ोन पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आपका व्हाट्सएप चेक करके आपको कॉल करती हूँ। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती हैं। दूसरी तरफ जब नानी व्हाट्सएप चेक करती है तो वो शॉक हो जाती हैं, और वो शॉक होकर बोलती हैं कि यार ये फैमिली फ़ोटोज़ कैसे मिल गई है, और ये तो मिलनी भी नहीं चाहिए थी। तभी वो तुरंत फ़ोन करती है इसकी मम्मी को, और मम्मी को फ़ोन करके बोलती हैं कि जो तनु तन क्या बोलते कायरा ने ये सारी फ़ोटोज़ मेरे पास भेजी है और पूछा है। तो उसकी मम्मी को जब ये पता चलता है तो वो फटाफट वो फ़ोटोज़ को चेक करती हैं, और वो बोलती हैं कि यार ये सारी फ़ोटोज़ उसको मिली कहाँ से मम्मा, मुझे नहीं पता है, पता नहीं कहाँ से मिली है। तो कहती है अब क्या करना है, अब उसे सवालों के जवाब देने ज़रूरी है या नहीं? तो उसी मम्मी कहती है कि देखो हम कितना भी उससे हर चीज़ छुपा लें, अब तो वो हर बार थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें पूछती रहेगी। तो वो अपनी मम्मी को कहती है कि सही वक्त आ गया है कि आप उसे सच बता दो। तो नानी बोलती है कि क्या सही वक्त है ये सच बताने का? तो कहती है कि हाँ वो इतनी बड़ी हो गई है, मैच्योर्ड हो गई है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है, आप बता दीजिए उन्हें। और ऐसे बोलकर उसकी मम्मी फ़ोन रख देती। तो ऐसी क्या बात है जो उसकी नानी अब कायरा को बताने वाली है? तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।